नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और 90% बिजनेसमैन द्वारा मार्केट में ये यूज़ किया जाता है। और अभी देखा जा रहा है कि टैली में रोज़गार का बहुत सारा संभावना है और बहुत सारा रोज़गार अवेलेबल है। और आज हम ऐसे ही रायपुर में टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेप टेक टैली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अभी ट्रेनिंग भी चल रहा है, बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री लक्ष्मण टंडन जी और श्री होमेश यादव जी। सर, आप लोगों को नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप हमें टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी है यूज़ करने के लिए। और इसमें बहुत सारी जो MIS रिपोर्ट्स होती हैं उनके बिज़नेस से रिलेटेड, वो सारी रिपोर्ट्स इजीली निकल जाती हैं, चाहे वो उनके स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे उनके टैक्सेशन से रिलेटेड हो, या फिर उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड हो। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि टैली सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहा, अभी ये एक ERP एप्लीकेशन बन गया है। ERP मतलब आप टैली का डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और आपके ऑडिटर्स अगर चाहें तो उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इवन इसमें ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिससे आप अपने डेटा की सिक्योरिटी वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बिज़नेस के जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे आप इसमें चाहें तो डेवलप भी करवा सकते हैं, और चाहे तो इसमें जो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी एडॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट बिज़नेस सॉल्यूशन की तरह उभर के हमारे सामने आ रहा है। सर, GST के आने के बाद अकाउंटिंग में टैली का क्या योगदान है? जी, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब GST हमारे कंट्री में एप्लीकेबल हुआ था, तब GST के बारे में जो व्यापारी वर्ग है एक कंफ्यूजन की स्थिति में था। मतलब कैसे रिटर्न्स फाइल करने हैं, कौन कौन से रिटर्न फाइल करने हैं, क्या डिटेल्स उसमें जाने वाली हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के एक बहुत बड़ा जो व्यापारी वर्ग है वो कंफ्यूजन की स्थिति में था। तो उस समय टैली एक हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें आपकी GST की रिटर्न फाइलिंग के लिए, एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। और उस समय हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स भी किए थे, अवेयरनेस इवेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने अवेयरनेस इवेंट्स किए थे, जिसमें कि कुछ एसोसिएशंस हैं, जैसे फ़ायदा है हमारे रायपुर के कुछ एसोसिएशंस हैं, उनके साथ में मिल करके हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी और GST के बारे में व्यापारी वर्ग को एक अवेयरनेस हमने पैदा करी थी। और साथ ही साथ हमारे पास में टैली तो था ही, जिससे कि हमने इमीडिएट फर्स्ट जुलाई 2017 जिस दिन GST एप्लीकेबल हुआ था हमारी कंट्री में, जितने भी टैली के यूज़र्स थे उन्होंने अपना इनवॉइस GST रेडी इनवॉइस टैली से ही जनरेट किया था। सर, टैली में कितने प्रकार के कोर्स हैं, क्या इसका सर्टिफिकेशन भी होता है या टैली कहीं से भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, टैली जो है अभी जो टैली में जो टैली का जो डिज़ाइन जो कोर्स है वो इंडस्ट्री की डिमांड क्या है उसके हिसाब से इसमें डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टैली के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए एक बेसिक का कोर्स है जिसका नाम है टैली एस, और ये कोई भी कर सकता है। और दूसरा जो कोर्स है इंटरमीडिएट लोगों के लिए है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट आता है वो बोलता है कि मुझे थोड़ा बहुत टैली तो आता ही है, मैं उसमें कुछ एडवांस फीचर्स सीखना समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर वो बेसिक का छोड़ करके उसको इंटरमीडिएट कोर्स है जिसका नाम है टैली प्रो, और एक है एक्सपर्ट कोर्स जिसका नाम है टैली गुरु। उसमें कंप्लीट अकाउंटिंग से लेकर के टैली के एडवांस फीचर्स इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। सर, ये टैली करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? टैली करने के लिए सबसे पहला तो सीखने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आज हमारे पास में ऐसे भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि 11th और 12th कर रहे हैं कॉमर्स और साथ ही साथ टैली का कोर्स भी कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी ऐसा न्यूनतम ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए कोई क्राइटेरिया इसका फिक्स नहीं है, कोई भी चाहे तो टैली का कोर्स कर सकता है। जैसे अगर मैं एक बिजनेसमैन को बोलता हूँ तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है टैली सीखना ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सके। अगर मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ रोज़गार के हिसाब से, उसके लिए बहुत अच्छा है टैली सीखना। अगर मैं किसी हाउसवाइफ को अगर मैं सिखाना चाहूँ टैली, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है टैली सीखना। क्यों? क्योंकि वो स्वरोजगार को और रोजगार स्वरोजगार दोनों चीज़ें हमारे पास में स्कोप है टैली का कोर्स करने के लिए। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इतना ही होना चाहिए, मतलब हाउसवाइफ भी सीख सकती हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सर अगर अब इसमें कैरियर की बात करें तो स्टूडेंट्स को इसमें कैसी कैरियर मिल सकती है? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं चाहूँगा सर होमेश सर थोड़ा सा इस पर लाइट डालें। सर थैंक यू लक्ष्मण। एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूं कि जो स्टेप टेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो गठन है, इसका प्रथम उद्देश्य था कि हम टैली स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को रोज़गार दिलाएं। टैली जब ये स्टेप टेक इंस्टीट्यूट 7 साल पहले से सेल्स और सर्विसेज में काम कर रही थी और लगभग इनके 1500 कस्टमर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पे हैं, जब कभी भी बात आती थी कि टैली के अच्छे ऑपरेटर की आवश्यकता हो तो हमसे पूछा जाता था, लेकिन हम वो अच्छे स्किल्ड कैंडिडेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया और हमको एज ए सर्टिफाइड पार्टनर उन्हें रखा। लगभग 7 से 8 महीने में हम लोगों ने 150 बच्चों को ट्रेनिंग दी है और आप इसकी लोकप्रियता और इसके रोज़गार का अंदाज़ा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ये 150 बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं। इवन अभी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है और जैसे ही हमारे बच्चे यहाँ ट्रेंड होते हैं और वो मार्केट में प्लेस हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये कोर्स बहुत रोज़गार उन्मुख है और इसमें 100% जॉब की संभावना बनी हुई है, ना केवल टेली ऑपरेटर ऑपरेशन में, इवन ये अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट और डेवलपमेंट साइड में भी इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सर आप लोगों की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? जी हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि समय समय पे कोई ना कोई सेक्टर मार्केट में बूम करता है। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो 2000 के बाद 2010 तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता थी, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखा और बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्किल्ड किया। अभी जब से टैक्सेशन आया है, GST आया है, नया टैक्सेशन सिस्टम आया है, तब से इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मैं केवल कॉमर्स और टैली जो सीख रहे हैं उन बच्चों को नहीं, अपितु MBA कर रहे हैं, जो BE कर रहे हैं या जो बेरोजगार हैं और उनको थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है कोर्स में, तो डेफिनेटली ये उनको कोर्स करना चाहिए। PGDCA, कोपा ITI, DCA, BCA प्रोग्राम, ये सारे लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनका ऑपरेशन जानते हैं, किस तरीके से उनको डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट निकालनी है। तो ऐसे बच्चों के अगर रिज्यूम में ये कोर्स, ये सर्टिफिकेट कोर्स लग जाए तो डेफिनेटली एक ऐड ऑन होगा और ये उनके रिज्यूम में एक स्टार होगा और जब भी वो इंटरव्यू परफॉर्म करने जाएंगे ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा उनके इंटरव्यू में और एक अच्छा कैरियर उनको मिल सकता है। इतना मैं आपको कहना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया इसमें काफ़ी अच्छा रोज़गार का अपॉर्चुनिटी है और स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी अच्छा कैरियर बना सकते हैं और आप लोगों को भी करना है टैली, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कैरियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप टैली कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप CGPride को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लेटेस्ट वीडियोज़ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।